बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलिप्स। हमारे पास इलिप्स होता है, ऐसा कॉनिक है, कॉनिक सेक्शन में से ऐसा कॉनिक है जिसकी इसेंट्रिसिटी हमारे पास 1 से लेस होती है। इसेंट्रिसिटी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो दो डिस्टेंस के दरमियान में रेशो होती है। अब हम एक पॉइंट पी का फोकस से डिस्टेंस लेते हैं और उसी पॉइंट पी का हम डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लेते हैं। अगर हम इन्हीं दो डिस्टेंस को डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास इसेंट्रिसिटी के इक्वल आता है। अब हमारे पास इसेंट्रिसिटी की 3 वैल्यूज़ होती हैं। अगर इसेंट्रिसिटी हमारे पास 1 के इक्वल होगी तो जो कॉनिक बनेगा वो पैराबोला होता है, और अगर इसकी वैल्यू जो हमारे पास इलिप्स है, हमारे पास अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से बड़ी हो और लेस देन 1 हो तो जो हमारे पास कॉनिक बनेगा वो इलिप्स बनेगा। और अगर हम ये कंडीशन जो है वो हमारे पास किसकी है, इलिप्स की है। अगर हमारे पास एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास क्या होगा, जो कॉनिक बनेगा वो हाइपरबोला होगा, और अगर एसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल हो तो कॉनिक जो बनेगा वो पैराबोला होगा। अब अगर हम इसी रेशियो को कंसीडर करें, इसेंट्रिसिटी अब हमारे पास जो इलिप्स की है वो हमारे पास लेस देन 1 है, यानी कि हमारे पास जो ये रेशियो है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब है ये जो न्यूमिरेटर है वो उसकी वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट पी का जब हम फोकस से डिस्टेंस लेंगे तो वो हमारे पास लेस होगा एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स से उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उस पॉइंट का। हम पूरे इलिप्स की बाउंड्री पे कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे तो उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दी डायरेक्ट्रिक्स। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक इलिप्स है, हमारे पास इलिप्स के दो फोकाई होते हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो इसकी वैल्यू एस प्राइम लेते हैं माइनस ए ई ज़ीरो, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो ये हमारे पास ए ई ज़ीरो होता है। अब जिस एक्सिस के ऊपर दोनों फोकाई होंगे और जो, या हम कहें कि जो लाइन हमारे पास फोकाई में से पास हो रही होगी और वो परपेंडिकुलर हो डायरेक्ट्रिक्स में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसका मेजर एक्सिस कहते हैं। पैराबोला में हम क्या कहते थे, जिसमें हमारे पास फोकस होता था और जो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स होती थी हम कहते थे वो एक्सिस ऑफ पैराबोला है। यहाँ हमारे पास क्या होगा, जो लाइन हमारे पास दो फोकाई में से पास हो रही होगी और वो परपेंडिकुलर होगी डायरेक्ट्रिक्स पे, इसके दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, उन्हीं दो डायरेक्ट्रिक्स पे अगर वो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो हम क्या कहेंगे, वो जो लाइन है वो मेजर एक्सिस है। तो अब इसके दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, एक हमारे पास नेगेटिव एक्सिस पे होता है और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ये हम सपोज एल कह लेते हैं इसको, और इसको हम एल प्राइम कह लेते हैं। इसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई, और इसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई। ये दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे हमारे पास, और हमारे पास जो इसका सेंटर होगा जहाँ पे हमारे पास, अच्छा, और हमारे पास होते हैं ये इसके दो फोकाई हो गए। अब हमारे पास जो मेजर एक्सिस ये है हमारे पास, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस जो है वो इसके ये वाले पॉइंट्स होते हैं, ये एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस होगा ए ज़ीरो, और ये वाला जो मेजर एक्सिस है वो होगा माइनस ए ज़ीरो, और जो ये इस वाले एक्सिस को हम कहते हैं माइनर एक्सिस कहते हैं। अब इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास होंगे, सपोज अगर ये ए है और ये ए प्राइम था, अब ये हमारा पॉइंट बी होगा और ये बी प्राइम होगा, तो हमारे पास ये होता है ज़ीरो बी, और ये वाला हो जाएगा ज़ीरो बी माइनस बी, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव आती हैं, और इसका सेंटर हमारे पास होगा ज़ीरो ज़ीरो, जहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारे पास सेंटर ऑफ इलिप्स होता है। तो हमारे पास मेजर एक्सिस जो है वो उसकी लेंथ हमारे पास 2a के इक्वल होती है, और माइनर एक्सिस जो है उसकी लेंथ हमारे पास 2b के इक्वल होती है। अच्छा, और जहाँ पे ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं, यानी ये हमारे पास ये और ये वाला, जहाँ पे ए ज़ीरो और माइनस ए ज़ीरो हैं, ये दो पॉइंट्स हमारे पास वर्टिसेस हैं, और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को हम को वर्टिसेस कहते हैं। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं और वो हमारे पास ए और ए प्राइम है, और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को हम को वर्टिसेस कहते हैं, ये हमारे पास पॉइंट बी और
बी प्राइम है। और हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स है, एक की इक्वेशन x इज इक्वल टू ए ओवर ई है और जो नेगेटिव x एक्सिस पे है वो x इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई होता है। अब हमारे पास इसमें होता है कि बी स्क्वायर जो है इसकी इक्वेशन हमारे पास होती है इलिप्स की x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें ये जो b स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a स्क्वायर e का स्क्वायर, ये हमारे पास b स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहाँ से अगर हम इधर से ई स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें, यानी कि हम इसेंट्रिसिटी हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यू गिवन हो तो हम इन दोनों फार्मूले से में से कोई भी यूज़ करके हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्म इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ई स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ए हमारे पास क्या था, वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट था, और बी हमारे पास को वर्टिसेस का एंड एक्स बी वाई कोऑर्डिनेट था। अब हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की हमारे पास इसमें इलिप्स में लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है हमारे पास 2b² ओवर ए। ये मैंने लेटेस्ट रेक्टम आप लोगों को बता दिया था कि फोकल कोड को हम क्या कहते हैं, फोकल कोड को लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, और इसमें इलिप्स की हमारे पास वैल्यू होती है 2b² ओवर ए, और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास होती है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, ये ए ई जो प्लस में लेंगे वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो होगा, और जो माइनस वाला होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन, हमारे पास इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये हमारे पास इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन जब हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो इसका सेंटर होता है वो ओरिजिन के ऊपर होता है, क्योंकि इसमें x में भी कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, y में भी कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, लेकिन जब हमारे पास x माइनस एच स्क्वायर इस तरह की इक्वेशन हो ओवर ए स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वह हमारे पास ये जो इक्वेशन होगी वो उस वक्त होगी जब हमारे पास इलिप्स का जो सेंटर है वो एच और के पे होगा। और नेक्स्ट इसका क्या लिख सकते हैं, जब हमारे पास मेजर एक्सिस, ये हमारे पास इक्वेशन है ए हमारे पास ग्रेटर देन बी होता है, अब ए जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका मेजर एक्सिस जो बनेगा वो हमारे पास एक्स एक्सिस बनेगा। अगर यही इक्वेशन आपके पास इस तरह से लिखी हुई हो बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ए ग्रेटर देन बी, तो इसका जो मेजर एक्सिस बनेगा वो वाई के नीचे बनेगा। यानी हमने कैसे चेक करना है कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे बनेगा या वाई पे, तो हमने देखना है एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है या वाई के नीचे। अगर एक्स के नीचे बड़ी टर्म लिखी हुई है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस बनेगा, और अगर वाई के नीचे मेजर टर्म लिखी हुई है तो जो मेजर एक्सिस होगा वो वाई पे बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा। तो ये दो इक्वेशंस हैं इलिप्स की।